जय श्री राधे कृष्णा। माँ के घरेलू नुस्खे चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पैर के दर्द की। साथियों, पैर में दर्द जब होता है तो बहुत परेशानी हो जाती है, चाहे वो मस्कुलर पेन हो और या आपका थकान का पेन हो। बहुत अधिक खड़े आप रह जाते हैं तब भी पैरों में दर्द हो जाता है, बहुत अधिक तेज तेज चलने से भी आपके पैरों में दर्द हो जाता है, कभी कभी मसल्स कमजोर होने से भी आपके पैरों में दर्द हो जाता है, कभी कभी बाएं और बादी होने से भी पैर में दर्द हो जाता है। ये पैर दो दर्द दोनों पैरों में भी हो जाता है और कभी कभी एक पैर में भी दर्द हो जाता है। ऐसा लगता है, इतना अधिक दर्द होता है, ऐसा लगता है कि जैसे पैर सुन्न हो गया। ये बहुत सारे इसके वैसे तो रीजन होते हैं, लेकिन हम लोगों के जो घरेलू उपाय हैं, जो घरेलू नुस्खे हैं, वो किसी भी प्रकार का दर्द हो, इनिशियल स्टेज यानी स्टार्टिंग में उसको ठीक पूरी तरह से करने का प्रयत्न करते हैं। तो घरेलू नुस्खों में सबसे पहले तो वही आता है, आपको मालूम है कि नमक, जो सेंधा नमक इसमें लेते हैं, गुनगुने पानी में सेंधा नमक डालकर और अपने पैरों की सिकाई करने से बहुत आराम मिलता है। किसी भी ऑयल से आप उसमें मसाज कर सकते हैं। अगर वो अजवाइन में पका हुआ तेल है तो इससे अच्छी और कोई बात ही नहीं है। तो आप अजवाइन में तेल पकाकर रख लीजिए खीसी में छान कर, और आप उस तेल से भी अगर मालिश करते हैं, कभी भी किसी के भी दर्द हो, मसाज जो वो है कि आपने सिकाई कर ली गर्म पानी से और उसके बाद आपने तेल की मसाज कर ली, तो बहुत रिलैक्स मिलता है। यदि आपके पास थोड़ा समय है तो तिल के तेल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अपनी पिंडलियों पर यानी घुटनों से नीचे पैरों की तरफ आप उस पर लेप कर लीजिए, और 1 घंटे बाद आप उन पैरों को गुनगुने पानी से धो लीजिए और उसके बाद किसी भी ऑयल से मसाज कीजिए, तो बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे आप। इतना आसानी से आपके जो पैरों का दर्द है वो चला जाता है। लेकिन अगर ये सब करने का भी समय नहीं है तो आपको एक बहुत आसान सा उपाय बताती हूँ। आप एक काम करेंगे, थोड़ी सी मेथी दाना जो हम सब्जी में यूज करते हैं और थोड़ी सी सौंफ जो हम मसालों में यूज करते हैं, दोनों को थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लें। यानी कि 2 चम्मच आपने मेथी दाना ले लिया, 2 चम्मच आपने सौंफ ले ली, उनको कढ़ाई में रोस्ट कर लिया और उसके बाद आपने ग्राइंड कर लिया यानी पीस लिया, उसमें 1 चम्मच आपने हल्दी मिला ली और उसको एक डिब्बी में ऐसे ऐसे हिला के भर के रख लीजिए। जब भी किसी के पैरों में दर्द हो, यानी कि हाथों में दर्द हो रहा है बिना वजह, हाथ दुख रहे हैं, बहुत अधिक काम कर लिया, पैर दुख रहे हैं, थकान महसूस हो रही है और हमारे पास सिकाई करने का समय भी नहीं है, तो गुनगुने पानी से आधा चम्मच वो चूर्ण आप ले लीजिए। बिल्कुल अंदर अगर बाएं बाजू का भी दर्द है, सर्दी से भी पैरों में दर्द हो जाता है, वो भी सारा आपका ठीक हो जाएगा अगर आपको इंस्टेंट चाहिए। और इससे भी एक जबरदस्त फॉर्मूला ही बता रही हूँ, अगर आपको उससे भी ज्यादा, यानी कि आपने ये चूर्ण भी बना के नहीं रख रखा और अचानक पैरों में दर्द हो गया है या एक पैर में किसी के भी दर्द हो गया है, तो आप एक काम करिएगा, 2 हरी इलायची लीजिएगा, 2 हरी इलायची, और उसको 1 गिलास दूध में आप बॉईल कर लीजिएगा। इलायची को तोड़ लीजिएगा या चाहे तो आप उसके दाने निकाल लीजिएगा इलायची के, और उसको 1 गिलास दूध में आप बॉईल कर लीजिएगा, और उसके बाद छान कर, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट वो दूध उबल जाए उसके बाद छान कर, और आप उसको थोड़ा गरम गरम आप उसको पीकर और सो जाइएगा। मात्र 7 दिन में अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे निरंतर पैरों में दर्द हो ही जाता है, अक्सर होता ही रहता है, तो ये नुस्खा तो आपके लिए जबरदस्त एकदम रामबाण का काम करेगा कि आप 2 इलायची रात को पानी उसमें दूध में उबालें 1 गिलास, और उसको 5-3-5 मिनट उबाल लें, उसके बाद छान के और आप उसे थोड़ा गर्म गर्म पीकर और आप सो जाएं। थोड़ी सी मिश्री आप उसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। गर्मी के मौसम में मिश्री ऐड करें और सर्दी का मौसम हो तो जरा सा उसमें गुड़ ऐड करें। जब आप इस पेय को पीकर सोएंगे, इस दूध को पीकर सोएंगे, एक तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, दूसरा आपका पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी, और तीसरा आपके पैरों का दर्द होगा। बहुत बार पैरों में दर्द ना हमारे पेट की गड़बड़ी से भी होता है, तो अगर आप इस वाले नुस्खे को अपनाते हैं तो आपकी सारी की सारी चीजें ही बिल्कुल ठीक आ जब हो जाएंगी। ताकत भी मिलेगी, पाचन तंत्र भी ठीक होगा, पेट भी आपका ठीक होगा, और आपके पैरों में जो दर्द है वो भी ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। 7 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इंस्टेंट फायदा तो मिलना ही शुरू हो जाएगा। तो चाहे आप चूर्ण बनाइए, चाहे आप इलायची का दूध पीजिए, चाहे आप उनको मसाज कीजिए, अगर समय मिले तो आप उनकी सिकाई कीजिए, स्ट्रेचिंग जरूर कीजिए। स्ट्रेचिंग आपको पैरों की अवश्य करनी चाहिए, चाहे दर्द हो या ना हो। जिस समय भी आप रात को अपने बिस्तर में जाते हैं, आप स्ट्रेचिंग करने की आदत डाल दीजिए, आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, ऐंठन जो ठंडनाहट होती है ना, वो भी उसका जो रीजन है वो भी खत्म होना शुरू हो जाता है कि नहीं होगी। आपको ऐसे करना है जैसे आप ऐसे सो रहे हैं, ये आपका पैर है, और आपको ना अपने घुटने की तरफ, ये आपके पैर का पंजा है सपोज, और ये घुटना है, घुटने की तरफ आपको ऐसे 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 प्रेस करना, ऐसे जितना पैर को घुटने की तरफ आप ऐसे पंजे को मोड़ सके जितना, ये एक्सरसाइज आप करें ना। अगर 2 ही आपके ये पैर हैं और आप लेटे हैं, तो अपने घुटने, ये आपके घुटने हैं, ये आपके पैर हैं, और पैरों की तरफ ऐसे ऐसे जितना जितना पंजों को आप ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं ना, जितना
आप ये देखेंगे कि ये जो है ना सारी ये जो पिंडलियां हैं पैर की जो इस एक्सरसाइज से ये पूरी खिंचती हैं और ये जो मसल्स है ना ये स्ट्रोंग हो जाती हैं। जब ये मसल्स स्ट्रोंग हो जाएंगे तो आपके पैरों में दर्द होगा ही नहीं। तो आशा करती हूँ ये नुस्खा आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। मिलती हूँ ऐसे एक और बहुत अच्छे नुस्खे के साथ। तब तक हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे इस तरह के आने वाले समस्त नुस्खे आपके सामने आते रहें और आपको उनसे फायदा मिलता है।